गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई सेल्फ मंजिता मैम आई विल स्टार्ट यर एस एस टी क्लासेज ऑनलाइन नाव आई विल स्टार्ट फ्रॉम थर्ड क्लास आवर टॉपिक ईज चैप्टर नंबर सिक्स पोलिटिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जो इंडिया के पोलिटिकल फीचर्स हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर रीड कर चुके हैं इन प्रीवियस क्लास वी डू दिस चैप्टाइज एक्सरसाइज रीड कर चुके हैं हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर ए हम कर चुके हैं और बी टुडे वी विल डू दिस चैप्टर एक्सरसाइज नंबर सी बांग्लादेश लाइज टू द ईस्ट जो बांग्लादेश है वो ईस्ट में स्थित है तो इसके अंदर क्या आएगा ट्रू आएगा टी लिखना है क्योंकि क्वेश्चन यही है राइट टी फॉर ट्रू एंड एप फॉर फॉल्स स्टेटमेंट टी ट्रू के लिए लिखना है एप फॉल्स के लिए लिखना है तो बांग्लादेश लाइज टू द ईस्ट बांग्लादेश जो है वो इंडिया के ईस्ट में स्थित है तो ये क्या आएगा ट्रू है सेकंड है द यूनियन टेरिटरी आज आर गवर्नड बाय द स्टेट जो यूनियन टेरिटरी टेरिटरीज हैं वो स्टेट द्वारा गवर्नड होती है स्टेट सरकार उनको चलाती है तो इसके अंदर क्या आएगा फोल्स आएगा क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गवर्नड होती है थर्ड है द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज़ हेड ऑफ द कंट्री जो प्रेजिडेंट है इंडिया का वो हमारी कंट्री का हेड होता है तो ये क्या है ट्रू है टी आएगा इंडिया इज़ द सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया जो है वो वर्ल्ड के अंदर सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है सातवीं सबसे बड़ी कंट्री है तो इसमें क्या आएगा टी आएगा क्योंकि ये ट्रू है इंडिया अलॉन्ग विद इट्स नेबर्स इज कार्ल्ड ए सब कॉन्टिनेंट जो इंडिया है उसके पड़ोसी देशों को या पड़ोस के जो क्षेत्र है उसको देख के ये कहा जाता है कि ये एक उप महाद्वीप है सब कॉन्टिनेंट है तो ये क्या है ट्रू है

क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वर्ल्ड इज द लोकेशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड वर्ल्ड के अंदर जो इंडिया की लोकेशन है वो क्या है सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इंडिया की जो लोकेशन है वर्ल्ड में वो क्या है इंडिया इज़ सिचुएटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया जो इंडिया है वो एशिया के साउथन पार्ट में स्थित है क्वेश्चन नंबर सेकंड है नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया इंडिया की जो पड़ोसी देश हैं उनका नेम लिखना है तो सबसे पहले हम नॉर्थ हेडिंग डालेंगे नॉर्थ में इंडिया के भूटान नेपाल और चाइना है उसके बाद साउथ हैडिंग डालेंगे साउथ में कौन कौन से देश हैं श्रीलंका एंड मालदीव उसके बाद ईस्ट एडिंग डालेंगे ईस्ट में है बांग्लादेश एंड म्यांमार फोर्थ नंबर पर है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट साइड में इंडिया के कौन सी नेबरिंग कंट्रीज है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान तो क्या क्वेश्चन थे हमारा कि नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनके नेम लिखने हैं नॉर्थ में नेपाल भूटान एंड चाइना साउथ में श्रीलंका एंड मालदीव मालदीव ईस्ट में बांग्लादेश एंड म्यांमार वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्वेश्चन नंबर थर्ड है हाउ मैनी स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज आर देयर इन इंडिया इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरेटरीज़ हैं तो हमारा आंसर है इन इंडिया ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड एट यूनियन टेरिटरीज़ इंडिया के अंदर अट्ठाईस राज्य और आठ यूनियन टेरिटरीज़ हैं बेटा हमारी बुक में नाइन यूनियन टेरिटरीज़ दी है दी गई है मैंने चैप्टर पढ़ाया तब भी बताया था कि जो नाइन यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनमें से दो को एक कर दिया गया है वो दो कौन कौन सी हैं दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को मिलाकर एक कर दिया गया है अब हमारी एट यूनियन टेरिटरीज़ हैं आठ यूनियन टेरिटरीज़ हैं तो इसका आंसर आएगा इन इंडिया ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड एट यूनियन टेरिटरीज़। हमारा जो क्वेश्चन नंबर फोर है वो गवर्न यूनियन टेरिटरीज जो यूनियन टेरिटरीज़, हैं उन पर कौन सी सरकार का प्रशासन होता है कौन सी सरकार कार्य करती है तो आंसर है यूनियन टेरिटरीज गवर्नड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए जो लॉ है रूल्स है या शासन जो किया जाता है वो कौन सी सरकार द्वारा किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा तो आंसर क्या आएगा यूनियन टेरिटरीज गवर्नड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट Dear students, I hope you understand in this question. You should write this question. Your fair notebook should be neat and clean handwriting. Thank you, students.